किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 14 रन से हराकर आईपीएल 2019 की शुरुआत की है जीत के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप क्रिक स्टार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से केएल राहुल और क्रिस गेल ओपन करने के लिए आए। केएल राहुल जल्दी आउट हो गए और उसके बाद क्रिस गेल ने मयंक अग्रवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की। मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद क्रिस गेल ने सरफराज खान के साथ 84 रन की साझेदारी की। शुरुआत में क्रिस गेल ने पिच को समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने खेलना शुरू किया। शुरुआत में वो सिंगल्स डबल पे कॉन्सेंट्रेट करते रहे, बड़े शॉट नहीं लगाए। एक बार सेट हो गए तो उसके बाद उन्होंने बड़े शॉट खेलने शुरू किए। क्रिस गेल ने 79 रन की पारी खेली 47 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। सरफराज खान ने 46 रन की पारी खेली 29 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था, और इसी पारी के कारण किंग्स इलेवन पंजाब 184 रन तक पहुंचने में कामयाब रहा। राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की। 185 रन का टारगेट इस पिच पे बहुत बड़ा था, लेकिन कप्तान अजंक्य रहाणे और जोस बटलर ने शानदार साझेदारी की। पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़े 49 गेंदों में। जोस बटलर की बैटिंग तो ऐसी थी कि वो जैसे एक अलग पिच पे बैटिंग कर रहे हों। उन्होंने 69 रन की शानदार पारी खेली और वो मानकंड आउट हुए, और ये काफ़ी बड़ा विवाद बन गया है। सब लोगों की अलग अलग राय है, मैं भी अपनी राय रखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक बल्लेबाज बार बार स्टेप आउट करके शॉट खेल रहा है और विकेट कीपर पीछे उसको ये वार्न करता है कि तुम स्टेप आउट कर रहे हो तो मैं तुझे स्टंप आउट कर सकता हूँ, तो ऐसा होता नहीं है। अगर इसमें ऐसा नहीं होता है तो मानकंड में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो, एक बैट्समैन कैसे उम्मीद कर सकता है कि गेंदबाज उसको आकर बोले कि तुम बार बार स्टार्ट ले रहे हो, मैं तुझे मानकंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से रविचंद्र अश्विन ने जो किया सही है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। सैम कर ने 3 ओवर के बाद 48 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं लिया था, और चौथे ओवर में उन्होंने कमाल कर दिया। स्टीवन स्मिथ को आउट किया और उन्होंने संजू सैमसन को, और केवल 4 रन दिए उस ओवर में, और उसके साथ गेम चेंज हो गया। मुजीबर रहमान ने कमाल की गेंदबाजी की, 31 रन देकर 2 विकेट लिए। कप्तान अश्विन ने 20 रन देकर एक विकेट लिया। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।